हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दी चैनल। सो नाउ इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एक्सरसाइज 1.3। सो एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। राइट दी फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। सो पहले जितनी भी फ्रैक्शंस गिवन है उसे हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है एंड देन हमें बताना है काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। अब डेसिमल एक्सपेंशन की दो काइंड हमने पढ़ी है। वन इज, इसको हम बोल सकते हैं, एक हमारी होती है टर्मिनेटिंग एंड द नेक्स्ट वन वी हैव इज नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। ये दोनों पढ़ी है। अब इसमें होता क्या है, देखो टर्मिनेटिंग जब हम बात करते हैं, लेट्स सपोज मैंने कोई डिवीजन करी और डेसिमल में आंसर मेरे पास आया 6.75, ठीक है। अब यहाँ 5 पे वो डिवीजन फिनिश हो गया, मतलब रिमाइंडर 0 आ गया, तो वो मेरा हो जाएगा टर्मिनेटिंग, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल टर्मिनेट हो गया। इसी तरह से हमने कोई डिवीजन करी और उसमें आया लेट्स सपोज 2.345 और ये ऐसे चलता जा रहा है, या फिर 2.666, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फिनिश नहीं हो रहा, यहाँ पे डेसिमल टर्मिनेट नहीं हो रहा, आगे चलता जा रहा है, तो वो मेरा आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग में, ठीक है। तो हम यहाँ पे बता देंगे टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, और अगर जैसे ये ऐसा है कुछ जैसे सेम चलता जा रहा है तो हम इसको बोल सकते हैं टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और यहाँ सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, और अगर रिपीट नहीं हो रहा तो हम सिंपली उसको बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है। सिर्फ टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग लिखोगे तब भी चल जाएगा। सो अपनी फर्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है उस पे, मतलब फर्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। सबसे पहले है 36/100, तो ये तो सबसे सिंपल होता है। अगर आपके पास कोई भी फ्रैक्शन है जिसमें नीचे 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, तो सिंपली क्या करते हैं हम, जैसे यहाँ पे 36/100 है, मतलब 1 के साथ 2 जीरोस है, मतलब मुझे इसको ऐसे लिखना पड़ेगा डेसिमल के बाद 2 डिजिट आए, सो देयरफॉर आई कैन सिंपली राइट इट एज 0.36। डेसिमल के बाद 2 डिजिट आ गई ना, अब 0.36 आगे कुछ नहीं और ना ही ये 36 रिपीट हो रहा है, तो ये मेरा हो जाएगा, दिस विल बी टर्मिनेटिंग। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है 1/11। नाउ 1/11 इसमें डिवीजन परफॉर्म करनी पड़ेगी, सो स्टार्ट करते हैं। 11 को हमें डिवाइड करना है 1 से, सो अगेन 1 से तो होगा नहीं, पॉइंट लगा लेंगे, ये बन जाएगा 10, अभी भी छोटा है, 0 लगाया ये हो गया 100। सो नाउ 9 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 99, माइनस किया 1 आ गया, अगेन 0 लगाया, अभी एक और 0 चाहिए होगा, सो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, ये आ गया अगेन 9, 99, अगेन 1। अब देखो ये सेम चीज चलती रहेगी, फिर से मैं 0 लगाऊंगी, फिर से ये 100 बनेगा, देन सेम होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया, 0.090909, और ये ऐसे चलता जाएगा, सो आई कैन ऑल्सो राइट इट एज 0.09 के ऊपर मैं लगा दूंगी बार, क्योंकि ये 09 रिपीट होता रहेगा, गॉट इट। सो देयरफॉर आई कैन से दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड ऑल्सो दिस इज रिपीटिंग, सो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। सो नेक्स्ट हमारे पास है 4/1/8, सो मिक्स फ्रैक्शन में, इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो 8 × 4 इज 32 + 1 = 33/8, डिवीजन करनी है, 8 को डिवाइड करना है 33 से, सो 8 को डिवाइड किया 33 से, वी गेट 8 × 4 32 आ गया, देन बचा 1, पॉइंट लगा देंगे, ये हो गया 10, 1 से करेंगे 8 आ गया, दिस विल बी 2, अगेन 20 हो जाएगा, 2 से करेंगे दिस विल बी 16, 4 आ गया 40 बन जाएगा, नाउ 5 से करेंगे तो वो 40 हो जाएगा, मेरे पास रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये तो क्लियर है कि ये टर्मिनेटिंग है, सो ये मेरा पास आ गया 4.125 और 5 पे फिनिश हो गया, सो देयरफॉर दिस इज टर्मिनेटिंग। आई होप समझ में आ रहे होंगे, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं 3/13, सो यहाँ पे मुझे डिवाइड करना है 13 को 3 से, ठीक है, सो अगेन पॉइंट लगाना पड़ेगा, इसको बना लिया 30, 2 से करेंगे 26,
फोर बचा, 40 हो गया, 3 से करेंगे 39, यहाँ पे आ गया 1, मतलब ये हो गया 10। अब यहाँ पे मुझे 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो ये मेरा हो गया 100। अब इसको मैं 7 से कर सकती हूँ, 7 से किया तो ये आ गया 91, इसको माइनस करेंगे 10 में से 1 गया 9, एंड ये हमारा 9 हो जाएगा, मतलब ये बन गया 90। तो अब इसको करेंगे 13 × 6 मेरा हो जाएगा 78। अब इसको माइनस किया, दिस विल बी 2, 1, सो ये 12 आ गया, इसको बना देंगे 120। अब इसके आगे 9 पे कर सकते हैं, सो 13 × 9 विल बी 117, सो ये मेरा आ गया 117। अब इसको माइनस किया, 3 आ गया, 30 आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, शुरू हमने किससे किया था, 30 से बिगिन किया था, तो अब यहाँ पे अगर मेरे पास 30 आ गया तो ये क्या होगा, अगेन मैं 2 से करूंगी 26, 4 आएगा, देन 3 से 39, ये मतलब ये पूरा सेम होने लग जाएगा, सो देयरफॉर आई कैन राइट इट एज दिस इज 0.230769 एंड सो ऑन, ये चलता जा रहा है। पर चलता कैसे जा रहा है कि यही सेम रिपीट होगा, 230769 इस पूरे पे लगा देंगे बार, कि यही पूरा रिपीट होता जाएगा, सो देयरफॉर वी कैन से डेसिमल तो यहाँ टर्मिनेट नहीं हुआ, सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, बट रिपीटिंग लिख सकते हैं हम कि रिपीट होता जाएगा, ठीक है। सो ये था हमारा फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है 2/11, सो 11 को डिवाइड करना है 2 से, सो दिस इज गोइंग टू बी अगेन पॉइंट लगा देंगे 20 बना देंगे, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, सो यहाँ पॉइंट लगाया, ये हो गया 20। अब अगेन 11 × 1 करेंगे, 11 आ गया, 10 में से 1 गया 9, ये बच गया 90, 8 से किया 88 आ गया मेरे पास, देन यहाँ पे इसको माइनस किया, ये आ गया 20, अगेन देख मतलब 2 आ गया और 0 आ गया तो 20 आ गया, मतलब ये फिर से सेम चलने लग जाएगा, फिर से करूंगी मैं 11 × 1, 11, सो ये मेरे पास आ जाएगा अगेन 9, ये बन जाएगा 90, सो अगेन 11 × 8, 88, सो आप देख रहे हो ये सेम चीज चलती जाएगी, मतलब यहाँ पे ये चलता ही जाएगा, तो ये क्या होगा 0.181818, ये ऐसे चलता जाएगा, सो आई कैन राइट इट एज 0.18 और 18 के ऊपर बार लगा दिए हम, सो ये भी हमारा डेसिमल तो टर्मिनेट नहीं हुआ, सो दिस इज ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। सो ये था हमारा फिफ्थ पार्ट। नेक्स्ट हमारा लास्ट पार्ट है 329/400। अब देखो 400 का अगर आप डिवीजन करोगे तो काफी लंबा जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, सो सिंपली आई कैन राइट इट एज 329/400 को मैं लिख सकती हूँ 4 × 100, इज इट करेक्ट, इस तरह से लिख सकती हूँ 4 × 100 is 400। सो नाउ अब यहाँ पे दो तरीके, पहले तो या तो आप 329 को 100 से डिवाइड कर लो, 3.29 बना के 4 से डिवाइड कर दो, या फिर हम इसको 329 को 4 से डिवाइड करते हैं एंड उसमें अपॉन 100 कर देंगे। सो यहाँ डिवीजन करते हैं, 4 को हमें डिवाइड करना है 329 से, ठीक है। सो नाउ 4 × 8 is 32, सो ये हमारे पास बचा 9, 4 × 2 is 8, ये बचा 1, पॉइंट लगा देंगे, ये हमारे पास आ गया 10, सो अगेन 4 × 2 is 8, ये आ गया 2, बच जाएगा 20, नाउ 4 × 5 is 20, सो ये आ गया 0, देयरफॉर मेरे पास यहाँ पे क्या आया, अभी मैंने डिवाइड किसको किया है 329 और 4 को, तो मेरे पास आ गया 82.25 और अपॉन में मेरे पास अभी 100 बचा हुआ है, गॉट इट। सो नाउ नीचे दो जीरो से डेसिमल दो डिजिट लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, मतलब 0.8225, ठीक है। अब यहाँ 5 पे डिवीजन कंप्लीट हो गया, सो मैं कह सकती हूँ दिस इज टर्मिनेटिंग, ओके। सो ये था हमारा इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, विद दिस वी हैव कंप्लीट द फर्स्ट क्वेश्चन, सो वीडियो काफी लेंदी हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो, सो आई विल सी यू ऑल अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय।